जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS Academy के YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय इतिहास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और इस लेक्चर श्रृंखला का आज का ही हमारा 38वां लेक्चर है, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गांधीवादी चरण के 1917 से 1947 के बीच की इंपॉर्टेंट घटनाओं पर डिस्कशन कर रहे हैं अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से। अगर हम देखें दोस्तों, तो राष्ट्रीय आंदोलन पर ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इसके पहले इसका ही पार्ट वन पे हम लोगों ने कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है। अगर आप लोग सेकेंड वीडियो देख रहे हैं और आपने फर्स्ट वाला पार्ट इसका नहीं देखा है, तो आप उसको भी देखिए, क्योंकि उसमें इसके प्रारंभिक जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं को हम लोगों ने क्लियर किया है अलग अलग क्वेश्चंस के माध्यम से। आज के इस लेक्चर में हम अन्य आंदोलनों के बारे में, इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में बात करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और अगर हम इस इतिहास के सेगमेंट की बात करें दोस्तों, तो ये UPSC हो, MPPSC हो, NDA, CDS, MPSI, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हमारे यहाँ होती हैं, हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यहाँ और इस पर स्पेशलाइज कर दें, तो ध्यान रखिए MPPSC जो है उसके प्रिलिम्स के सिलेबस में यूनिट नंबर 2 का पूरा सेगमेंट भारतीय इतिहास से रिलेटेड है, जिसमें प्राचीन काल हो, मध्य काल हो, आधुनिक काल के क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? तो आपका ये पोर्शन अच्छे से मजबूत हो जाए, इसलिए हम ये लेक्चर श्रृंखला चला रहे हैं, ये ध्यान रखिए। अगर आप इस लेक्चर श्रृंखला को देखते हैं, तो आपको एक इंपॉर्टेंट काम करना है, वो ये कि एक तो लेक्चर को बहुत अच्छे से सुनना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है, ताकि जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं उनको नोट कर लें आप सिनॉप्सिस के रूप में। जो शॉर्ट नोट आप बनाएंगे वो कहीं ना कहीं एग्जाम के पहले रिवीजन करने के लिए काम आएंगे, और आप बेहतर तरीके से एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था। दोस्तों, जब हम बात करते हैं देश के विभाजन की, तो सबको पता है कि 1947 में 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत जो है वो आज़ाद होता है। अब इस समय हम देखें दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो एक अलग राष्ट्र बनता है, और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि जिन्ना जो है उसकी हट धर्मिता और कहीं ना कहीं जिद के कारण हम ये देखते हैं कि हम इस स्थिति पर पहुँचे थे। पूरी तरीके से आग लगाने का काम उसने कर दिया था। यहाँ पर कांग्रेस ने या गांधी जी ने भी अंतिम समय तक आते आते इसके विभाजन को अपनी सहमति दे दी थी, और सहमति देने का सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस के बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालने की स्थिति, मतलब कांग्रेस नहीं चाहती थी, गांधी जी नहीं चाहते थे कि देश में जो बड़े पैमाने पर उस समय सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं उनको होने दिया जाए, उसको टालना चाहते थे लोग। इनका मतलब ये था कि भाई ये दंगों से अच्छा है कि विभाजन होकर चीज़ें व्यवस्थित हो जाएं, शांति हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सोची गई कि बड़े पैमाने पर जो सांप्रदायिक दंगे हो गए थे इनको टाला जा सकता है, तो हम इस विभाजन को अपनी सहमति देते हैं, ये स्थिति देखने को मिलती है। अब ये सांप्रदायिक दंगों की स्थिति क्या है दोस्तों, ये भी जिन्ना की ही करामात थी। देखिए कि जब हम देखते हैं, तो जिन्ना जो है उसने 1940 में पाकिस्तान की अलग से मांग, मुस्लिम राष्ट्र की अलग से मांग जो रखना थी, उसका ऑफिशियली मुस्लिम लीग के पटल पे से मांग कर दी थी, और चौधरी रहमत अली ने ये पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कर दिया था। अब लगातार जिन्ना जो है इसकी जिद पर लगा हुआ था बहुत फोर्स के साथ। क्रिस मिशन आया, उसका विरोध कर दिया, पाकिस्तान की बात नहीं है बोल के। लेकिन अंत में हम देखें कि लेबर पार्टी के नेता थे, इनका नाम था एटली जो थे दोस्तों, इन्होंने घोषणा की। इनकी घोषणा कब आई थी, उस घोषणा की तारीख भी आप याद रखिएगा। घोषणा आई थी 15 फरवरी 1946 को एटली ने घोषणा की, और ये घोषणा जो की थी, ये घोषणा लागू होती है 24 मार्च, याद रखिए 24 मार्च को 1946 को इसको लागू करके, और कहीं ना कहीं एक 3 सदस्यीय मिशन, याद रखिए कितना मिशन, 3 सदस्य का जो मिशन है वो भारत भेजा गया। 1946 15 फरवरी को घोषणा की थी इस मिशन की, और ये मिशन 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया। कहाँ पहुँचा ये, दिल्ली पहुँचा। इसमें कितने सदस्य, 3 सदस्य थे। एक सदस्य थे सर पैथिक लॉरेंस, ये पैथिक लॉरेंस जो था दोस्तों, इसके बारे में याद रखिएगा कि ये सचिव था, भारत सचिव था, और इसका अध्यक्ष भी था। तो अगर पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो पैथिक लॉरेंस था, उस समय भारत सचिव के पद पर था। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं दोस्तों क्रिप्स की, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है दोस्तों, ये सेकंड टाइम भारत आया था। 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो उस समय भी आपको क्रिप्स देखने को मिलता है, लेकिन क्रिप्स मिशन फेल हो गया। गांधी जी ने उसको एक कहीं ना कहीं बोल सकते हैं दिवालिया हो रही बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कह दिया। अब क्रिप्स मिशन के फेल होने के बाद क्रिप्स वापस चला गया, और क्रिप्स सेकंड टाइम भारत आता है 1946 में,
कैबिनेट मिशन के सदस्य तौर पर। क्रिप्स कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा कि यहां पर बोर्ड ऑफ ट्रेड जो था, बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था कौन? क्रिप्स। तो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष के उससे इसका सदस्य बनकर आता है कैबिनेट मिशन का क्रिप्स। और तीसरा है दोस्तों एबी अलेक्जेंडर। जो अलेक्जेंडर है दोस्तों, ये भी हम बोल सकते हैं कि नौसेना मंत्री था ब्रिटेन में, ब्रिटेन का नौसेना मंत्री था अलेक्जेंडर, ये भी कैबिनेट मिशन के सदस्य के तौर पर आया। तो कैबिनेट मिशन जो है दोस्तों 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है। तीन सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, क्रिप्स इसके सदस्य थे और अलेक्जेंडर भी अन्य सदस्य था। ये इस पद पर मौजूद थे और ये आए भारत में। ये जब भारत में आए दोस्तों, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कब? 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में इन्होंने भारत जो भी व्यवस्था की, उसमें भारत संघ की व्यवस्था थी, कार्यपालिका की व्यवस्था थी, संविधान सभा की व्यवस्था थी, ऐसी पूरी व्यवस्था से लेस एक रिपोर्ट दी कि भाई कैबिनेट मिशन का ये प्लान है भारतीयों के लिए। अब यहाँ पर इस पूरी व्यवस्था में, जहां भारत संघ की बात थी, कार्यपालिका के गठन की बात थी, संविधान सभा की बात थी, और संविधान सभा का जो गठन होगा दोस्तों वो अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव के आधार पर करना था, अलग अलग रियासतों से, प्रांतों से, वहां के जो मेन प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा का भाग होते और जो संविधान का निर्माण करते, ठीक है, वो भी चुनी हुई संविधान सभा की बात। तो ये पूरे प्रावधान थे उसमें, लेकिन कहीं भी उसमें आपको अलग से पाकिस्तान की बात कैबिनेट मिशन में नहीं देखने को मिली। इसलिए जिन्ना यहां पर फिर भड़क गया और जिन्ना ने इस कैबिनेट मिशन का भी विरोध कर दिया। अब देखिए यहां पर आपको चुनाव देखने को मिलेंगे जुलाई 1946 में होते हैं चुनाव। इस चुनाव में लगभग 296 सीटें थी, मतलब 296 सीटों पर चुनाव होते हैं। इन चुनावों में केवल 73 सीट ही मुस्लिम लीग को मिलती है। मुस्लिम लीग को कितनी मिली? केवल 73। हम ये बोल सकते हैं लगभग 24% के आसपास सीटें मुस्लिम लीग को मिलती हैं। जब इतनी कम सीटें मुस्लिम लीग को मिली तो ऐसे में जिन्ना का और ज्यादा दिमाग खराब हो गया, वो बौखला गया। जिन्ना जैसी बौखला गया दोस्तों। तो उसके बाद इसने चाल चली कि कैसे ना कैसे करके हमें अपनी मांग को और तेजी से रखना पड़ेगा और चाहिए अलग राष्ट्र, चाहिए ही चाहिए, ऐसा सोचता था। और ये सोचकर जिन्ना ने 16 अगस्त को 1946 में घोषित कर दिया सीधी कार्यवाही दिवस। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जिन्ना का सीधी कार्यवाही दिवस कब हुआ? 16 अगस्त 1946 और ये कहां किया गया था? बंगाल में किया गया था। और बंगाल में इसका केंद्र कहां था दोस्तों? नोआखली जो था ये इसका केंद्र बना था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सांप्रदायिक दंगे जो थे ये सोच समझ के जिन्ना के द्वारा आयोजित किए गए थे, जिसमें बंगाल में लगभग 7,000 लोगों को मार दिया गया था। इतने भयंकर सांप्रदायिक दंगे जब हुए तो गांधी सहित कांग्रेस ने कह दिया कि अगर विभाजन होने से ये दंगे रुक सकते हैं तो विभाजन कर दिया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था में इतिहास में देखने को मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि 1947 में कांग्रेस जो है वो देश के विभाजन पर सहमत हो गई थी। क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण था कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, इसलिए क्योंकि जिन्ना ने सीधी कार्यवाही दिवस के नाम पर दंगे भारत में फैला दिए थे और अंततः हुआ ये कि पाकिस्तान को अलग कर दिया गया, ये व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। दोस्तों यहां चार किताबें दी गई हैं, एक पैसेज टू इंडिया, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इंडिया विंस फ्रीडम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इनमें जवाहरलाल नेहरू की जो किताब है दोस्तों वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई किताब है। जवाहरलाल नेहरू ने 1942 से लेकर 1945 के बीच में, जब ये अहमदनगर, याद रखिए अहमदनगर जो किला है, अहमदनगर का जो किला है इसमें मौजूद थे, उस दौरान कैद में रहते हुए ही जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की थी। और ये कहा जाता है कि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर तो भारत की आज़ादी तक के घटनाक्रम को वर्णित किया गया है। और ये याद रखिएगा कि ये वो समय था जब देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही 9 अगस्त 1942 को सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था ताकि आंदोलन नेतृत्वहीन हो जाए और उसको आसानी से दबाया जा सके। तो ऐसे में गांधी जी को अहमदनगर के किले, सॉरी जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के किले और गांधी जी को आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया था। ठीक है, तो इस दौरान यहां पर जवाहरलाल नेहरू ने 9 अगस्त 1942 को इस किताब की लिखना शुरू किया था और कहीं ना कहीं ये पूरी हो जाती है 45 में। और 1946 में
इसको प्रकाशित किया गया था। प्रकाशित कब किया गया था? 1946 में इसको प्रकाशित किया गया था, ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब पेसेस टू इंडिया भी किताब का नाम है। ये जो है दोस्तों ई एम फास्टर जो थे, इन्होंने लिखी थी, ये अंग्रेज लेखक थे। अंग्रेज लेखक जिनका नाम था ई एम फास्टर, इनके द्वारा लिखी गई थी कौन सी किताब? अ पेसेज टू इंडिया। और ये भी याद रखिएगा कि इंडिया विंस फ्रीडम, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे, अबुल कलाम आजाद, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद जो आजादी के बाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनते हैं, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा थी इंडिया विंस फ्रीडम। और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की जब बात करते थे, गांधी जी की है, गांधी जी की किताब है जो उन्होंने 1925 से 1929 के बीच में लिखी थी, ठीक है। तो ये किताबें रही, अलग अलग लोगों की रचनाएं थी, बता दिया हमने। एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए, आप लोग उसको आसानी से लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन दिए हैं मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या डॉक्टर अंसारी ने। ये जो 1928 में अगस्त के महीने में सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार किया था, इस सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर अंसारी थे। कौन थे? डॉक्टर अंसारी थे। ध्यान रखिए, इस घटना का जो आधार बनता है वो 1925 बनता है। इस समय बर्कन हेड जो अंग्रेज था दोस्त, उसने भारतीयों को चुनौती दी थी। इसने भारतीयों को चुनौती क्या दी थी? इसने चुनौती दी थी कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है, दम है, तो अपना संविधान का प्रारूप बनाकर दिखा दीजिए, ठीक है। तो भारतीयों ने इसको बहुत सीरियस लिया और मोतीलाल नेहरू ने इसकी कमान हाथ में ली थी अपने। और कहीं ना कहीं इस चुनौती के बाद हमारे यहाँ पर दो सर्वदलीय मीटिंग होती है। और दो सर्वदलीय मीटिंग की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो पहला मीटिंग या सम्मेलन हुआ था, प्रथम जो हुआ था वो असफल हो गया था। प्रथम क्या हो गया था? असफल हो गया था, कोई सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन जो दूसरा था, दूसरा जो सर्वदलीय सम्मेलन था दोस्तों, वो आयोजित होता है 19 मई 1928 में होता है, डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में। और इसमें मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाकर 7 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। कितने सदस्य? 7 सदस्य की समिति बनाई जाती है। किसकी अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू की। मतलब नेहरू रिपोर्ट बनाने वाली जो व्यवस्था थी वो 7 सदस्यीय समिति थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू जो थे वो अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट जो आई थी वो लाने वाली पूरी व्यवस्था में मोतीलाल नेहरू जो थे वो अध्यक्ष थे, और उनको मिलाकर टोटल 7 सदस्य थे। इसमें अगर हम देखें दोस्तों, तो एक नाम आपको मिलता है तेज बहादुर सप्रू का नाम मिलता है। दूसरा नाम मिलता है आपको सुभाष चंद्र का। तीसरा नाम मिलता है आपको M.S. आगे का। इसके बाद नाम मिलता है आपको चौथा कुरैशी जी का, ठीक है। ये 4 इंपॉर्टेंट नाम थे, कौन कौन के? तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, M.S. आगे, कुरैशी जी का, अली इमाम, ये भी इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा प्रधान जो थे वो भी इंपॉर्टेंट थे। तो ये सभी लोगों को मिलाकर, और एक सिंह साहब थे, इन सभी लोगों को मिलाकर आपने 7 सदस्यीय पूरी समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी दोस्तों 28 अगस्त 1928 को इसने रिपोर्ट दी, और ये भारत का पहला लिखित प्रारूप माना जाता है संविधान का, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकार के प्रावधान थे, डोमिनियन स्टेट के प्रावधान थे, द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था थी। तो इन सभी चीजों के प्रावधानों को मिलाकर नेहरू रिपोर्ट एक कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि भारत का एक ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया था संविधान का, और इससे यह सिद्ध हो गया था कि भारतीय लोग अपना संविधान बनाने में कहीं ना कहीं सक्षम है, और ये अंग्रेजों को उनकी चुनौती को लेकर करारा जवाब भी था, ठीक है, कि आप इस प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें यह भी बोला गया था कि जो संवैधानिक व्यवस्था स्थापित होगी उसमें गवर्नर जनरल राष्ट्र प्रमुख होगा, जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे गवर्नर जनरल को प्रमुख के तौर पर भी स्थापित किया गया था। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट को जिन्ना ने नकार दिया था। अब जिन्ना ने इसको क्यों नकारा? क्योंकि इसमें
मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं थी। जब मुस्लिमों के लिए इसमें पृथक निर्वाचन की व्यवस्था नहीं थी तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको नकार दिया था, और इसके अगेंस्ट में 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री मांगे रखी थी, जिसे जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला हम लोग कहते हैं। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला किसके खिलाफ आया था, तो याद रखिएगा 1929 में नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांगे रखी थी, जिसे जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, श्री राजगोपालाचारी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या राजेंद्र प्रसाद ने। दोस्तों ये जो कथन है ये कथन जवाहरलाल नेहरू का कथन है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि हु लिव्स इन इफ इंडिया डाइज, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये जो उक्ति है ये भी जवाहरलाल नेहरू की है, आप लोगों को ध्यान रखना। ओके, चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत में संविधान, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? दोस्तों ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल रेडक्लिफ, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स या लॉरेंस। याद रखिए सर सिरिल रेडक्लिफ, सर सिरिल रेडक्लिफ जो है ये 8 जुलाई को 1947 में भारत आए थे। ठीक है, ये भारत आए, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 की थी, ये भारत के विभाजन की योजना थी, कहीं ना कहीं ये पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर करना चाहते थे। अब यहाँ पर जब पूरी व्यवस्था शुरू हुई तो यहाँ पपर सर सिरिल रेडक्लिफ को भेजा गया भारत में 8 जुलाई 1947 को, ये भारत में आते सर्वेक्षण करते हैं, और आज़ादी के 3 दिन पहले 12 अगस्त 1947 को ये निर्धारण कर देते हैं। काय का निर्धारण कर देते हैं? रेखा का, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन रेखा का अंतिम रूप जो है वो 12 अगस्त 1947 को दे दिया गया, और 17 अगस्त 1947 को इस रेखा को, इस प्रावधान को लागू कर दिया गया। तो 17 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच में निर्धारित है रेडक्लिफ रेखा, क्योंकि इसे सर रेडक्लिफ के द्वारा लागू किया गया था। अब जब उस समय पाकिस्तान की बात करें दोस्तों, तो पश्चिम में भी एक पाकिस्तान था और एक पूरब में भी पाकिस्तान था, और दोनों तरफ हमारी रेडक्लिफ रेखा लगती थी। लेकिन जब 1971 का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा था उसको खत्म करके बांग्लादेश बना दिया गया, तो अब बांग्लादेश के साथ हमें यह व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी, कब की थी? जब वे इंग्लैंड से भारत जहां यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, जहां से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। याद रखिएगा हिंद स्वराज गांधी जी की एक इंपॉर्टेंट कृति है, और ये जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा के दौरान गांधी जी ने लिखा था। ये समय था 1909 का, 1909 में गांधी जी इंग्लैंड से अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इस यात्रा के दौरान जहाज पर इन्होंने हिंद स्वराज को गुजराती में लिखा था दोस्तों, और इंडियन ओपिनियन जो था साप्ताहिक पत्रिका, इस पत्रिका में इसको सबसे पहले गांधी जी ने छापा भी था, प्रकाशित भी किया था। ठीक है, इस प्रकार से हम हिंद स्वराज की बात करेंगे तो गांधी जी ने 1909 में इसकी रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? ऑप्शन है नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन या अफ्रीकन न्यूज। ध्यान रखिए इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी ने 1906 में अफ्रीका के अंदर जब गांधी जी रह रहे थे तब लिखा था, और एक साप्ताहिक पत्रिका थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1932 में हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन दिए गए हैं, महात्मा गांधी, अंबेडकर, जगजीवन राम जी, विनोबा भावे। यहां पर महात्मा गांधी जी का नाम आएगा। महात्मा गांधी जी ने 1932 में जब ये यरवदा जेल में थे, कहां है यरवदा जेल? यरवदा जेल है पुणे में, पुणे की यरवदा जेल में गांधी जी जब कैद थे उसी दौरान गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, इसकी घोषणा की थी, और इसका उस समय नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ।
मतलब जब इसका गठन किया गया था, स्थापना किया गया था 1932 में, इसका नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ, जो भारत में छुआछूत के विरोध में, छुआछूत के समूल नाश के लिए स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था, क्योंकि दलित लोगों को गांधी जी ने हरिजन नाम दिया था। अब यहाँ 1932 में हरिजन की व्यवस्था देखने को मिली। अस्पृश्यता निवारण संघ जो है पहले इसका नाम था, बाद में इसको स्थापित किया, उद्देश्य था भारत में छुआछूत की समाप्ति करना। अब ये करने की जरूरत क्या थी, याद रखिएगा ये 1932 का समय है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के जो पीएम है वो मैकडोनाल्ड है। कौन है? मैकडोनाल्ड, ये यहां के ब्रिटेन के पीएम है। इन्होंने एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। इसको हम एक सांप्रदायिक आदेश नाम दे सकते हैं दोस्तों। और इसमें कहा गया था कि जो भारत में दलित और अन्य व्यवस्था के अंतर्गत लोग आते हैं, इनको भी क्या किया जाएगा, पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया जाएगा। आप पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था इनके लिए भी करते। इसका मतलब ये था कि क्षेत्र अलग होंगे, दलित लोग वोटर होंगे, नेता भी उन्हीं का होगा, पूरी तरीके से सेपरेट कर देंगे। ये ठीक उस प्रकार की व्यवस्था थी जो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के तहत, मैंने मार्ले मिंटो सुधार आपको पढ़ाया है, तो मार्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 में जो मुस्लिम के लिए इन्होंने किया था, मुस्लिम के लिए किया था, उसी प्रकार की व्यवस्था भी किसको करना चाहते थे, दलित को। मतलब पहले हिंदू और मुसलमानों की तलाक करके उनमें फूट डलवा दी। अब ये भारत में जो हिंदू हैं, जो भारत के एक धर्म के लोग, उनके अंदर ये भाग करना चाहते थे। गांधी जी ने कहा कि जिस प्रकार से मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया 1909 के सुधार के तहत, वैसे ही आप इनको कर देंगे तो भारत के समाज में दरार पड़ जाएंगे और ये अलग अलग भागों में टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गांधी जी क्या थे, यरवदा जेल में जो अनशन कर रहे थे वो इस पंचायत के खिलाफ ही कर रहे थे, और अंबेडकर जी ने इसका सपोर्ट कर दिया था कि हम ये चलेगा। अब अंबेडकर सपोर्ट में है, गांधी जी विरोध में है, दोनों के बीच में एक व्यवस्था चल रही है कि एक सपोर्ट कर रहा है इसका, एक विरोध कर रहा है। गांधी ने अनशन शुरू कर दिया, कई सारे नेताओं ने अंबेडकर जी को समझाया, और अंबेडकर जी को समझाकर अंबेडकर जी जाते हैं गांधी जी से मिलने के लिए, और इन दोनों के बीच में 1932 में होता है पूना पैक्ट। ठीक है, ये पूना पैक्ट हुआ। उसके बाद उसी समय गांधी जी ने कहा कि दलित वर्ग के लोगों को लेकर आप डरिए मत, इनको हम एक पर्याप्त मात्रा में सीटें जो होंगे वो रिजर्व कर देंगे। आरक्षण की यहां से व्यवस्था स्थापित कर दी गई और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की भी बात कर दी गई थी। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो था वो मैकडोनाल्ड पंचायत का जो था, बोल सकते हैं सांप्रदायिक पंचायत, जिसको मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहा जाता है, इसके माध्यम से स्थापित हुआ था। और 1932 में हरिजन सेवक संघ गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली में कहाँ? किंग्सवे कैंपस, किंग्सवे, याद रखिए किंग्सवे कैंप जो है यहां पर है, याद रखिए कौन सी जगह पर, गांधी आश्रम में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, घनश्याम दास बिड़ला इसके पहले अध्यक्ष थे, इसके पहले सचिव थे अमृतलाल विठल दास, अर्थात ठक्कर बाबा जो कहलाए बाद में, ये इसके पहले सचिव थे किसके, हरिजन सेवक संघ के। अगला प्रश्न है कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। ऑप्शन है सिंगापुर में, रंगून में, जकार्ता में या बैंकॉक में। दोस्तों यहाँ सिंगापुर याद रखिएगा, सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस जो थे, इनके द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। और सुभाष चंद्र बोस की इस घोषणा के बाद 11 देशों की सरकार के द्वारा, जिसमें रूस, जापान, जर्मनी जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे, इन्होंने इसको मान्यता दी और सुभाष चंद्र बोस को एज अ प्राइम मिनिस्टर मान्यता दी थी। लेकिन अगर हम बात करें भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर की, तो वो सुभाष चंद्र बोस बने। आजादी के बाद स्थिति बदली और आजादी के बाद हम देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आप जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर 21 अक्टूबर 1943 को हम देखें तो स्वतंत्र भारत की आजादी सरकार की घोषणा के अंतर्गत सुभाष चंद्र बोस को प्राइम मिनिस्टर बनाया जा चुका था, ये ध्यान रखिएगा। और 11 देशों के द्वारा इसको मान्यता भी मिल गई थी। ठीक है, यहां ध्यान रखें कहां पर होती है, सिंगापुर की बात है। अब यहां देखिए कि आजाद हिंद सरकार का संबंध किससे है, यहां पर हम जोड़ देते हैं आजाद हिंद फौज से। आजाद हिंद फौज जो है इसके गठन का जो विचार आया था वो कैप्टन मोहन सिंह जी के मन में आया था। सबसे पहले ध्यान रखिएगा इनकी उपस्थिति। उसके बाद इसमें राजबिहारी बोस की बात कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस जी और सब लोग जुड़ते हैं।
यहां पर अगर हम सुभाष जी की बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा सुभाष जी यहां पर कैसे पहुंचे, तो याद रखिए 1938 में हरिपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, ये हरिपुर अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 में कांग्रेस का जो अधिवेशन होना था दोस्तों वो त्रिपुरी में होना था, जबलपुर में। त्रिपुरी अधिवेशन में पुनः कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को चुन लिया गया, लेकिन यहां 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी ने अपना प्रतिनिधि पट्टा भी सीतारमैया जी को बनाया था। अब गांधी जी का प्रतिनिधि को सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया और उसको हराकर जब अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस, ये सीधे सीधे गांधी जी की हार के तौर पे देखा गया, क्योंकि गांधी जी का प्रतिनिधि अगर हार गया तो ये गांधी जी की हार थी, गांधी जी ने ऐसा खुद कहा था। ऐसे में गांधी जी गुस्सा हो गए, गांधी जी गुस्सा हुए और उन्होंने सुभाष चंद्र जी के ऊपर दबाव बनाया। बाद में सुभाष चंद्र बोस जी ने इस्तीफा दे दिया कांग्रेस से, और उन्होंने इस्तीफा देने के बाद कब दिया इस्तीफा, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में विवाद के बाद इस्तीफा दिया, और 1 मई 1939 को बना दिया क्या, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष जी ने कब की थी, 1 मई 1939 को। अब 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करके इसकी चलाए, लेकिन यहां पर एक घटना देखने को मिलती है कलकत्ता में। कलकत्ता में घटना देखने को मिलती, वो क्या, उसको याद रखिएगा कि कलकत्ता में एक स्मारक थी जिसको आप हॉलवेल स्मारक कहते हैं। यह हॉलवेल स्मारक इतिहास का याद रखिए कि हॉलवेल की बात की थी मैंने, ब्लैक होल की घटना, सिराजुद्दौला के साथ युद्ध, उस समय जो हॉलवेल था उसी की याद में, उसी के लिए हॉलवेल स्मारक बनाई गई थी। अब इसको क्या कर दिया गया, 1940 में हटवा दिया गया, और यह माना गया कि इसको हटवाने में सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। तो इस स्मारक को हटाने के कारण कहीं ना कहीं 2 जुलाई 1940 को सुभाष चंद्र बोस जी को गिरफ्तार कर लिया। सुभाष को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब सोचिए कि हॉलवेल स्मारक, उसकी मूर्ति को हटाने के कारण जब यहां पर एक आंदोलन सा, दंगा सा हो गया, झगड़ा फैल गया, तो यहां 2 जुलाई 1940 को सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। अब जेल में जब गए तो यहां पर सुभाष चंद्र बोस जी ने शुरू कर दिया अनशन। क्या कर दिया शुरू, अनशन कर दिया। जब सुभाष चंद्र बोस ने अनशन शुरू किया तो यहां पर इनकी हो गई तबीयत खराब। जब तबीयत खराब हो गई तो इन्हें बोला गया कि जेल से बाहर कर दे। जेल से बाहर करने के बाद क्या किया, इनके घर पर नजरबंद कर दिया गया। घर कहां, कलकत्ता में इनको नजरबंद कर दिया गया। कब नजरबंद कर दिया गया, 1940 में इनको जेल से निकालकर। जब नजरबंद किया तो यहां से सुभाष चंद्र बोस 17 जनवरी को, याद रखिएगा 17 जनवरी 1941 को निकल गए, भाग गए चुपके से। जब भागे तो भागने के बाद नेपाल, अफगानिस्तान, इटली होते हुए जर्मनी पहुंचते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी पहुंचे तो जर्मनी में हिटलर से मुलाकात की। हिटलर से मुलाकात करने के बाद यहां पर एक संस्था की स्थापना की, उसके बारे में अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे आगे जाकर। और बाद में अंततः सुभाष चंद्र बोस जी 13 जून 1943 को कहां पहुंचे, टोक्यो। कहां पहुंचे, टोक्यो। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी टोक्यो कब पहुंचे, तो 13 जून 1943 को पहुंचे। उसके बाद रास बिहारी बोस के साथ ये कहां पहुंचते हैं, 7 जुलाई 1943 को सिंगापुर, जहां पर आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस जी को सौंपी जाती है। तो एग्जाम में पूछेगा कि आजाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस जी को कब सौंपी गई, 7 जुलाई 1943 को। उसके बाद जब सिंगापुर पहुंचते हैं तो सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की जो सरकार है उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं, और कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जी की सरकार को 11 देशों की मान्यता मिलती है। यहां पर एक घटना और देखने को मिलती है, आजाद हिंद फौज की इस सरकार का जो मुख्यालय था वो सिंगापुर में था, उसको सिंगापुर से रंगून, कहां पर कर दिया गया, रंगून में। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछता है कि मुख्यालय कहां था तो आपका उत्तर होगा रंगून में था। इसके अलावा 1944 में अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र है ये जापान की सहायता से सुभाष चंद्र बोस जी ने जीत लिया। जब जापान की सहायता से इसको जीता उसके बाद जापान ने अंडमान निकोबार का जो क्षेत्र था वो भारत को सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया। इसका नाम उन्होंने शहीद और स्वराज द्वीप रख दिया था। और यहीं से 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने रेडियो पर अपना एक वक्तव्य दिया, इसमें गांधी जी को संबोधित किया, कहा कि राष्ट्रपिता, गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और कहा था कि आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद चाहते हैं, हम भारत के क्षेत्र पर अब कब्जा कर चुके हैं, सरकार की स्थापना के लिए जो आंदोलन होने वाला था इसको लेकर शुभकामनाएं मांगी थी। तो ये कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था थी सुभाष चंद्र बोस की, जिसमें उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद भारत की
हिंद सरकार की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र, गांधी इरविन समझौता, मैकडोनल्ड का सांप्रदायिक पंचाट। अब इन तीनों को जमाना है, कब कब हुआ था? तो देखिए, पहली घटना थी मेरठ का षड्यंत्र, दूसरी घटना थी गांधी इरविन समझौता 1931 में, और मैकडोनल्ड पंचाट जो था दोस्तों, सांप्रदायिक आदेश जो था वो आया था 1932 में। ठीक है, तो 1, 2, 3 क्रम से जमा दीजिए, ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे। और यहां याद रखिएगा कि जो जो गांधी जी और इरविन का समझौता 1931 में हुआ था, इस समझौते के तहत ही गांधी जी सेकंड गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, और यहां पर एक और चीज आपको ध्यान रखना है, ये मैकडोनल्ड अवार्ड ही था जिसको हम मैकडोनल्ड का सांप्रदायिक पंचाट कहते हैं, जिसके बाद हमें हरिजन सेवा जो संघ है उसकी स्थापना देखने को मिलती है, और गांधी और अम्बेडकर के बीच में पूना में एक पैक्ट देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ पुस्तकें दी गई हैं और एक तरफ उनके रचयिता दिए गए हैं। पुस्तक की बात करें तो द इंडियन स्ट्रगल किसने लिखी थी? इंडियन स्ट्रगल के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इंडिया इन ट्रांजिशन इसके लेखक हैं एम एन रॉय। वेकअप इंडिया एनी बेसेंट की है। ट्रांसफर जो है वो वीपी मेनन की किताब है। ये जोड़ी जमा कर लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो चर्चिल, विंस्टन चर्चिल भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बटलर कमेटी का उद्देश्य, यहाँ देखिए ऑप्शन दिए, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, भारतीय समाचार पत्रों का सेंसर लागू करना, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधार करना। तो भारतीय राज्य तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधार करने के लिए ही 1927 में बटलर समिति बनाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में इंपॉर्टेंट घटनाएं दी गई हैं और सूची 2 में उससे संबंधित लोग दिए गए हैं। यहां दिया अगस्त घोषणा जो है वो मॉन्टेग्यू के द्वारा, अगस्त प्रस्ताव जो है दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा 1940 में हुआ था, अगस्त संकल्प जो है दोस्तों जिन्ना महात्मा गांधी के द्वारा, और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है वो जिन्ना के द्वारा। ठीक है, ये आप लोगों को याद करना है। अगला प्रश्न है, किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? लॉर्ड रीडिंग ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, मोतीलाल नेहरू ने, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने? दोस्तों, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी रविन्द्रनाथ टैगोर ने बताया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दोस्तों याद रखिएगा, गुरुदेव के नाम से जानते हैं। ये कहानीकार थे, ये चित्रकार थे, लेखक थे, कवि थे, दार्शनिक थे। तो कहीं ना कहीं सर्वगुण संपन्न महात्मा जो थे रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें गुरुदेव के नाम से आप जानते हैं। इनका जन्म 1861 में हुआ था। जन्म कब हुआ था टैगोर जी का? 1861 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। अगर इनकी मृत्यु की बात करें दोस्तों, तो 1941 में कलकत्ता में ही गुरुदेव की मृत्यु हुई थी। इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम था कुशारी। कुशारी किसका मूल नाम था? टैगोर जी का मूल नाम था। इनकी जो इम्पोर्टेंट रचना रही दोस्तों वो गीतांजलि थी। गीतांजलि के लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भारत का पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य में जो मिलता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए ही मिला था। इसके अलावा अमार सोनार बांग्ला, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, ये भी मिला। किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। जनगणमन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी, ध्यान रखिएगा। रॉलेट एक्ट का जब विरोध हुआ था, जब रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था तो टैगोर जी ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी, ये याद रखिएगा कि सॉरी है ना। और जलियावाला विरोध जो जलियावाला कांड जो हुआ था उसके विरोध में इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। गांधी जी को महात्मा कहने वाले भी यही थे, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि 1938 का जो हरिपुर अधिवेशन था कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरी में होने वाला था। सुभाष चंद्र बोस के आने को लेकर यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह था। सुभाष चंद्र बोस को यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, और उसकी तैयारी को लेकर यहाँ पानी की व्यवस्था करने के लिए कई सारे तालाब खुदवा दिए गए थे। इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी बीमार हो गए थे, जिसकी वजह से समय पर आ नहीं पाए, और आए तो उन्हें स्ट्रेचर पर लाया गया था, क्योंकि वो चाहते थे कि यहाँ की जनता से वो रूबरू हों,
इस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस जी की यह प्रसिद्धि थी। और यहाँ 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होना था उसके अध्यक्ष का जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में व्यवस्था देखने को मिली कि गांधी जी ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर पट्टाभी सीतारामैया को उतार दिया और ये कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी मतलब गांधी जी की व्यक्तिगत हार होगी। सुभाष चंद्र बोस जी से पट्टाभी सीतारामैया हार गए, गांधी जी की ये करारी शिकस्त थी, गांधी जी यहाँ पर गुस्सा हो गए और विवाद हो गया, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस से और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था जो है वो बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब इस्तीफा दे दिया गया सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा तो पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने नहीं थे, हार गए थे, तो यहाँ पर कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को, ये याद रखिएगा 1939 में। ठीक, अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? सी राजगोपालाचारी ने, जेपी की कृपलानी जी ने, महात्मा गांधी ने या जयप्रकाश नारायण ने? दोस्तों ये महात्मा गांधी जी का सुझाव था कि कांग्रेस की स्थापना देश की आज़ादी के आंदोलन के लिए की गई है, जैसे ये आज़ादी हो जाती है तो ये जो संस्था है ये रिलेवेंट हो जाएगी, इसलिए इसको समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन या जवाहरलाल नेहरू? दोस्तों ये कथन जवाहरलाल नेहरू का था। अगला प्रश्न है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? विनोबा भावे ने, महात्मा गांधी ने, अरविंद घोष ने या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। यहाँ पर 1904 में अफ्रीका में आपको फिनिक्स फॉर्म देखने को मिलता है, 1904 में अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म देखने को मिला। इसके अलावा यहाँ पर टॉलस्टॉय आश्रम भी देखने को मिलता है दोस्तों, इसकी स्थापना 1910 में की गई थी। ठीक है, ये जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में है, याद रखिएगा। और ये दक्षिण अफ्रीका में समानता, सामुदायिक जीवन और सम्मानजनक श्रम को प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित किए गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में, 1942 में, 1946 में या 1947 में? दोस्तों मुक्ति दिवस का संबंध जो है वो 1939 से है। 1939 में 22 दिसंबर को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। एक्चुअल में ये था कि जब 1937 में देश में पहली बार चुनाव हुए थे, जो कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत करवाए गए थे, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद 1937 में भारत में पहली बार चुनाव का आयोजन किया गया और इस चुनाव में टोटल 11 प्रांत में चुनाव हुए थे, जिसमें से 6 प्रांत में कांग्रेस को बहुमत मिला और 2 अन्य जगह पर इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई। लेकिन 6 प्रांतों में जब स्पष्ट बहुमत मिला तो इस स्पष्ट बहुमत को मिलने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो थी उसके जो हौसले थे वो बुलंद थे। लेकिन यहाँ पर कुछ ही समय बाद देखने को मिलता है कि वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो जाता है, कब, 1939 में। और वर्ल्ड वॉर टू जब शुरू हुआ इस समय लॉर्ड लिनलिथगो आता है। कौन आता है? लॉर्ड लिनलिथगो। ये लॉर्ड लिनलिथगो जो है दोस्तों ये घोषणा कर देता है क्या कि भारतीय जो होंगे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होंगे। अब भारतीयों से, कांग्रेस से, भारतीय लीडर से बिना किसी चर्चा के बाद, कोई डिस्कशन के बाद, मतलब कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं किया उसके बिना ही भारतीयों के युद्ध में जब शामिल होने की घोषणा कर दी लॉर्ड लिनलिथगो ने, तो यहां पर कहीं ना कहीं भारत के जो 6 प्रांतों में अलग अलग जगह पर विधानमंडलों में कांग्रेस की सरकार थी वहां के मंत्रिमंडलों ने सभी जगह से इस्तीफा दे दिया। अब जब सभी जगह से इस्तीफा दे दिया तो यहां पर कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग को एक मौका मिल गया और मुस्लिम लीग ने कहीं ना कहीं इस व्यवस्था को मुक्ति दिवस के तौर पर कहा है। ठीक है, तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 में। अगला प्रश्न, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 जगह पर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, 2 जगह पर इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी। टोटल कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। इनमें से कितने पर सरकार बनी? 6 में। इनमें कौन कौन से थे? इसमें था मद्रास, उत्तर प्रदेश जिसको आप संयुक्त प्रांत कह सकते हैं, इसके अलावा बिहार था, बंबई था, उड़ीसा था और मध्य प्रांत था। तो ये 6 जो प्रांत थे यहां पर किसकी सरकार बनती है? कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत के साथ, ये ध्यान रखिएगा। अब यहां पर मंत्रिमंडल जो है वो गठित हो गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। ये पहली बार चुनाव थे भारत में, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जब यहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लिनलिथगो ने बिना इनकी परमिशन के जब भारत को शामिल करने की बात कही तो सभी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया गया और फिर कांग्रेस के इस इस्तीफे के चलते मुस्लिम लीग ने बनाया था मुक्ति दिवस।
अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? लक्ष्मी सहगल ने, सूर्य सेन ने, बटुकेश्वर दत्त ने या जे एन सेन गुप्त ने? दोस्तों याद रखिएगा कि ये चिटगांव जो है वो आज बांग्लादेश में, उस समय बंगाल में आता था। यहाँ पर शस्त्रागार एक जगह थी, हथियार के रखने की जगह, इनको सबको हथियारों की जरूरत थी, तो ऐसे में सूर्य सेन जी जो थे इनको मास्टर दा कहते थे। सूर्य सेन को क्या बोलते थे? मास्टर दा कहते थे। इनके नेतृत्व में 1929-30 में ये जो शस्त्रागार धावा था ये किया गया था बंगाल में। इनके द्वारा एक एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था इंडियन रिपब्लिक आर्मी। तो इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक थे मास्टर दा अर्थात सूर्य सेन। इन्होंने अपने इस इंडियन रिपब्लिक आर्मी के माध्यम से 1930 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और चिटगांव में जो शस्त्रागार था इसको लूट लिया था। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान क्या था या इसको इज्मा प्लान योजना थी वो क्या थी? ऑप्शन है डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था या वीपी मेनन के मस्तिष्क का उपज था। याद रखिएगा ये माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था, याद रखिए। अब एक्चुअल में क्या है कि कैबिनेट मिशन आया और ये पूर्णतः सफल नहीं हुआ, इसकी असफलता हुई। इसकी असफलता के बाद माउंटबेटन जो है वो मई 1947 में एक बैठक करता है और इसके लिए एक वैकल्पिक योजना बनाता है। जो इसकी वैकल्पिक योजना थी उसे ही आप बाल्कन प्लान या इज्मा योजना कहते हैं, जो माउंटबेटन के दिमाग की उपज थी। इसमें ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं जो प्रांत है उनको सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी और एक अलग व्यवस्था स्थापित की जाएगी, लेकिन भारतीयों ने इसका विरोध कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? लाला हरदयाल ने, रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने या वीडी सावरकर ने? याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने 1941 में हम देखें तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो कहाँ गए? जर्मनी गए। जर्मनी कैसे गए कि पहले ये घर में नजरबंद थे 1940 में, वहां से भागकर नेपाल, अफगानिस्तान, इटली से जर्मनी पहुंचे, जर्मनी में हिटलर से मिले। और यहीं पर हम बोल सकते हैं कि हिटलर से मुलाकात करने के बाद, ये ध्यान रखिएगा, हिटलर से मुलाकात करने के बाद जर्मनी प्लस इटली में जो भारतीय सैनिक थे और जो बंदी थे उन सभी को एकत्र करके ये मुक्त सेना या फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन था जिसको हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं 1942 का। जैसे 1942 का ये आंदोलन हुआ था, 9 अगस्त को सुबह सुबह सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। जब गिरफ्तार किया था तो उन नेताओं में राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया था? ऑप्शन है बांकीपुर जेल में, हजारीबाग जेल में, कैंपबेल जेल में या भागलपुर जेल में। बांकीपुर जेल जो है यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया था। हजारीबाग जेल जो थी यहाँ पर जयप्रकाश नारायण को रखा गया था और जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल की दीवार घूमकर भाग गए थे, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, इनके साथ कस्तूरबा को और सरोजनी नायडू को भी रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर के किले में कैद किया गया था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ऑप्शन है जस्टिस पार्टी से, कम्युनिस्ट पार्टी से, सोशलिस्ट पार्टी से या किसान सभा से। जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ये सोशलिस्ट पार्टी जो है दोस्तों इसकी स्थापना 1934 में हुई थी और स्थापना करने वालों में जयप्रकाश नारायण थे, योगेंद्र शुक्ल थे, मीनू मसानी थे, आचार्य नरेंद्र देव। इन सभी को मिलाकर जयप्रकाश नारायण की पार्टी बनती है सोशलिस्ट पार्टी का 1934 में। और कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इस पार्टी ने बहुत बड़े लेवल पर काम किया था। अगर हम जयप्रकाश नारायण की जन्म की बात करें दोस्तों, इनका जन्म होता है 1902 में। कहां जन्म होता है दोस्तों? बलिया में, यूपी में इनका जन्म होता है और मृत्यु होती है दोस्तों 8 अक्टूबर 1979 को, कहां पर? पटना में। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है 1965 में और मरणोपरांत 1999 में अटल जी की सरकार के समय भारत रत्न पुरस्कार भी मिलता है जयप्रकाश नारायण जी को, ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ प्रमुख घटनाएं दी गई हैं, एक तरफ उनके स्थान दिए गए हैं। बारदोली सत्याग्रह 1928 कहां होता है? गुजरात में होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में।
कर मत दो का नारा दिया गया। यहाँ की महिलाओं ने पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी थी। चोरा चोरी कांड जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था 5 मई 1922 को। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग वापसी की घोषणा कर दी थी। यरवदा जेल कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र के पुणे में, जहां पर गांधी जी 1932 में कैद थे और पूना समझौता हुआ था अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में। नोआखली कहाँ है दोस्तों? नोआखली पश्चिम बंगाल में, जहां पर सीधी कार्यवाही दिवस जब दंगे हुए थे उसका केंद्र बना हुआ था। आजादी के समय गांधी जी यहीं पर थे और यहीं पर बोल सकते हैं कि गांधी जी को स्वतंत्रता के जश्न की सूचना भी मिलती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? याद रखिए ऑप्शन है भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कैलाशनाथ काटजू। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुकदमे की पैरवी नहीं की थी, वकील के कपड़े पहनकर। यहाँ पर आजाद हिंद फौज के जिन भी सैनिकों को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार किया था उनके ऊपर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था। उस मुकदमे में भूला भाई देसाई हों, नेहरू हों या कैलाशनाथ काटजू, उन्होंने पैरवी की थी, पटेल साहब ने पैरवी नहीं की थी। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? इन सभी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, ये ध्यान रखिएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन था? सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, राजगोपालाचारी थे या राजेंद्र प्रसाद थे? दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ था और ये जब प्रारंभ हुआ था दोस्तों तो ये याद रखिएगा कि गांधी जी के द्वारा प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? ये गांधी जी के द्वारा प्रारंभ हुआ था और कहां से हुआ था? ये पावनार से, पावनार से गांधी जी ने इसका प्रारंभ किया था। और जब इसका प्रारंभ किया 17 अक्टूबर 1940 को तो याद रखिएगा इसको व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा कहा गया था, जो अंग्रेजों के विरुद्ध था। और इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे बने थे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू बने थे, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त जी बने थे, ध्यान रखेंगे। इसी में दिल्ली चलो का, इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया था और इसका उद्देश्य जनता को दूसरे विश्व युद्ध में सरकार के दावे को झूठ साबित करना था। इसका मतलब था कि जनता के सामने इस बात को झूठ साबित कर दिया जाए कि हमने कभी भी विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए हामी नहीं भरी है, जबकि सरकार ये कह रही थी कि हाँ विश्व युद्ध में शामिल होना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह के दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सत्य और अहिंसा इसके दो महत्वपूर्ण संघटक हैं। सत्याग्रही बुराई का विरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वालों को पीड़ा पहुंचाएगा। देखिए सत्याग्रही यदि आवश्यक हो तो स्वयं को और बुरा करने वाले को भी पीड़ा पहुंचाएगा, ऐसा सत्याग्रही में नहीं है। सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे परंतु बुरा करने वाले से घृणा नहीं करेंगे। सत्य और अहिंसा इसके दो प्रमुख संगठन होंगे। एक और दो इसका सही उत्तर होगा, मतलब डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव या आसफ अली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन किसका है? नरेंद्र देव का, अच्युत पटवर्धन का, जयप्रकाश नारायण या जवाहरलाल नेहरू? ये किसका है? जवाहरलाल नेहरू का कथन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्प मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल, आचार्य जे बी कृपलानी एवं सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद एवं रफी अहमद किदवई। अब आपको मैंने क्रिस्प मिशन 1942 डिटेल में बताया हुआ है तो हम उसको डिस्कशन नहीं करते हैं, यहाँ सीधे इसका उत्तर देखते हैं। तो आधिकारिक वार्ताकार जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है, एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष दिए हैं, एक तरफ अधिवेशन के स्थल दिए हैं। एम ए अंसारी मद्रास थे, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक में थे, सरोजनी नायडू कानपुर में थी, सुभाष चंद्र बोस हरिपुर अधिवेशन 1938 में अध्यक्ष बने थे, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण भारत में कहाँ दिया था? बंबई में, लखनऊ में, चंपारण में या वाराणसी में? सही उत्तर है वाराणसी में। वाराणसी में 6 फरवरी 1916 को लॉर्ड हार्डिंग जो थे उनके समक्ष दिया था और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास था मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? दोस्तों महात्मा गांधी 11 सितंबर 1906 दक्षिण अफ्रीका में जब ये रंगभेद की नीतियों का विरोध कर रहे थे उस समय किया था, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो याद रखिएगा जो पीटर मारिसबर्ग जो था वहां पर गांधी जी को कालाकुली कहकर 7 जून 1893 को ट्रेन से फेंक दिया गया था। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने आज के इस लेक्चर में कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा जो भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंधित थे, और पार्ट वन और पार्ट टू के माध्यम से ये पूरा सेक्शन हमारा खत्म होता है जिसमें हमने अलग अलग घटनाओं से संबंधित प्रश्नों को देखा है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो आधुनिक भारत का सेगमेंट चल रहा है क्वेश्चन की सीरीज का, वो भी फिनिश होता है। हम लोगों ने इस लेक्चर श्रृंखला में प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल के अलग अलग घटनाओं पर आधारित विभिन्न प्रश्नों को बहुत डिटेल में देखा है, और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यहाँ से हमारा हिस्ट्री का पूरा सेगमेंट खत्म होता है। अब हम इसका एक लेक्चर और लेकर आएंगे जिसमें आधुनिक भारत के विभिन्न मुद्दों से आधारित प्रश्नों को हम शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे, अलग अलग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। उसके बाद हिस्ट्री का ये लेक्चर खत्म हो जाएगा और जल्दी ही हम भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल पर आधारित इसी प्रकार के प्रश्नों का डिस्कशन भी करने वाले हैं। तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और लेक्चर्स को निरंतर देखते रहिए। साथ ही साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ जो जो अभी स्टडी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये चैनल को, वीडियोस को पहुंचाइए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।